तेरी शादी करूंगा, पढ़ लिख के जॉब कर लेगी तब। मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। सीधी जिले में आज हुई इस घटना ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। हादसा इतना दर्दनाक था कि इंसान ने चीख कर खुदा से पूछा कि ऐ खुदा, यह तूने क्या किया। बसंत की सुबह इतनी मनहूस होगी, यह उन माँ बाप ने कभी सोचा ना होगा। उन बच्चों ने भी कभी नहीं सोचा होगा जो जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए, परीक्षा देने के लिए निकले थे। आज सुबह सीधी से सतना के लिए निकली बस रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत पटना गांव के पुल के पास नहर में जा समाई। हादसा इतना दर्दनाक था कि मौत के गाल में 43 लोग समा गए, 7 लोग सुरक्षित बाहर भी निकले। घर से नए सपनों की उम्मीद लेकर निकले ज्यादातर सतना में आयोजित नर्सिंग की परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जिंदगी की डोर टूट गई, 43 लोग मौत के गाल में समा गए। हादसा इतना दर्दनाक था, इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप गई। नहर में गिरने के बाद बस घंटों नजर नहीं आई। जब बाणसागर बांध से नहर का पानी बंद किया गया तब जाकर रेस्क्यू शुरू हुआ। रीवा से लेकर सतना और सीधी शहडोल की टीमें मोर्चा संभाले हुए थी। मुख्यमंत्री भोपाल से मोर्चा संभाले हुए थे। 2 कैबिनेट मंत्रियों को सीधे घटनास्थल पर भेजा गया। रेस्क्यू चलता गया, एक एक कर लाशें निकलती रही, आंकड़े रुक नहीं रहे थे। 4 से लाशों की गिनती शुरू हुई और 43 तक नहर की ओर निहारते पुलिसकर्मी, प्रशासन और जनप्रतिनिधि गिनते रह गए इस उम्मीद से कि शायद कुछ जिंदगियां बच जाए। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। किसी ने अपनी बहन को खोया, किसी का भाई इस दुनिया को छोड़ गया, किसी माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया, कोई पिता अब ताउम्र अपने बेटों की राह देखता रहेगा। लेकिन हर बार की तरह यह हादसा भी अपने पीछे कई सवाल खड़े कर गया कि आखिर जिम्मेदार कौन। आखिर क्यों ड्राइवर को मुख्य मार्ग छोड़कर शॉर्टकट का रास्ता अपनाना पड़ा। सवाल यह है कि आखिर क्यों मुख्य मार्ग छुईया घाटी में अक्सर जाम लगा रहता है। क्या मुख्य मार्ग अब जनता के लिए नहीं, वह सिर्फ स्थापित उद्योग के इस्तेमाल के लिए है। अब सवाल आवाम से है कि आखिर क्यों इतना बड़ा हादसा हुआ। क्या जिम्मेदार व्यवस्था नहीं, क्या जिम्मेदार हमारा तंत्र नहीं, क्या सिर्फ मुआवजे और चंद रुपयों से पीड़ितों के जख्म भर जाएंगे। इस सवाल का जवाब आप दीजिए। तेरी शादी करूंगा, पढ़ लिख के जॉब कर लेगी तब। मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया।